नमस्कार मेरे स्नेही दोस्तों, नमस्कार। हाँ जी, आज सुनीता शर्मा लेकर आई है आपके लिए ड्रेसिना के बारे में जानकारी। ड्रेसिना देख लीजिए, कितना सुंदर सा पौधा है ये है। देखिए देखिए, चलिए आपको एक बार एक व्यू तो दिखा दे, पूरी तरह से घुमा कर। आह, कितनी अच्छी शेडेड पत्तियां हैं ड्रेसिना की। वास्तव में जैसा नाम वैसा काम। देखिए, ये इतने सारे ड्रेसिना के पौधे हैं जिनको आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। ये ड्रेसिना कितनी सुंदर है, जैसा नाम है वैसा ही काम है। देखिए और कितनी सुंदर। और एक ये भी प्रकार है ड्रेसिना का। देखिए, इसकी पत्तियां थोड़ी सी नुकीली नुकीली हैं और इसकी पत्तियां थोड़ी सी गोल शेप को लिए हुए हैं, गोलाकार हैं। अब बात हो गई ड्रेसिना की। यह एक इनडोर और आउटडोर प्लांट है, दोनों रूपों में काम में आता है। और इस तरह से घर की शोभा बढ़ाने के लिए ड्रेसिना बहुत ही मायने रखता है। ये इतने सारे प्लांट हैं ड्रेसिना के हमारे पास। तो मित्रों, यह जो ड्रेसिना है इंडोर भी बहुत अच्छा चलता है और आउटडोर भी बहुत अच्छा चलता है। मुझे तो पसंद है इसकी शेडेड लीव्स, और इनको देखकर तो मुझे ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, सचमुच ये बोलते हैं या इनके रंग बोलते हैं, कितने सुंदर सुंदर से हैं। तो दोस्तों, चलिए अब इनको लगाने की बात हो जाए कि ये ड्रेसिना को कैसे लगाया जाता है। देखिए, हम तो बाजार से केवल एक पेड़ लेकर आए थे, एक टहनी इस प्रकार की थी, और उसी से मैं इतने सारे ये जो है ये जितनी ब्रांचेस निकल रही हैं उसकी मैंने बारिश के अंदर कटिंग करके लगा दी, और यह इस प्रकार से कितना झुंड बन गया। और देखिए कितना अच्छा घना बन गया। इसी प्रकार से देख लीजिए आप, इस गमले के अंदर भी हुआ है। तो अब मैं आगे आने वाले टाइम में ऐसा ही करूँगी कि इसकी एक ब्रांच को तोड़ दूँ, काट दूँगी अच्छे शार्प कटर से। अच्छे शार्प कटर से काटने के बाद दूसरे गमले के अंदर रोप दिया जाएगा। तो रोपने के बाद बस धीरे धीरे ये फूटने लगेगा और इसी प्रकार से लहलाने लगेगा। यह है ड्रेसिना, जैसे अभी लहला रहे हैं। बस इसमें होता इतना है कि जब ये धूप में होते हैं तो इतने अच्छे रंग नहीं आते, यानी थोड़े से कलर फीके पड़ जाते हैं। और जब ये होते छाया में तब तो इनकी बात ही कुछ और लगती है और उभर कर आते बहुत ही प्यारे प्यारे से शेड। हाँ जी, इस ड्रेसिना के अंदर। तो देखिए, प्रकृति सचमुच कितना कुछ रंग बिखेरती है। बस जरूरत है उन रंगों को आप अपने घर आंगन में भी समेट लीजिए। तो ये चाहे तो आप अपने ड्राइंग रूम में लगा दीजिए, चाहे अपने ऑफिस में लगा दीजिए, या लगा दीजिए अपने ऑफिस और घर के बाहर, दोनों ही रूपों में बहुत अच्छा चलेगा मित्रों। और सजावट भी होगी, साथ ही वातावरण भी रहेगा शुद्ध। और मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा ड्रेसिना का। जी, और ड्रेसिना का न केवल वीडियो पसंद आया होगा, जरूर आप अपने घर के अंदर एक ही पौधे से बना लेंगे अनेक, इस प्रकार से कटिंग करते हुए। जी नमस्कार मित्रों।